Battery is overheated. हाय गाइस, माय नेम इज रिजवाना। आज की मेरी वीडियो है, क्या तत्काल टिकट कटाने पर रिफंड मिलता है। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, रेल टिकट कैंसिल कराने पर कितना मिलेगा रिफंड, क्या है नियम, आइए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देती हूँ। आप में से अधिकतर लोग रेल से सफ़र करते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होंगे कि IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करते होंगे। यदि आप भी रेल में सफ़र करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। इस रिपोर्ट में हम आपको IRCTC के टिकट कैंसिल कराने के नियम के बारे में विस्तार में आपको बताऊँगी। यदि आप ट्रेन के चलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो ऐसी फर्स्ट क्लास के टिकट पर प्रति व्यक्ति 240 रुपये कटेंगे। वहीं AC 2 टायर के टिकट पर 200 रुपये, AC 3 टायर, AC चेयर कार, AC 3 इन इकोनॉमी पर 180 रुपये, स्लीपर के टिकट पर 120 रुपये कटेंगे। वहीं सेकंड क्लास के टिकट को कैंसिल कराने पर 60 रुपये शुल्क के तौर पर कटेगा। यह नियम कंफर्म और वेटिंग टिकट दोनों के लिए है। यदि आपके पास कंफर्म टिकट है और ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो किराया का 25% शुल्क के तौर पर कट जाएगा। वहीं यदि आपका टिकट कंफर्म है और ट्रेन के चलने से 4 से 12 घंटे पहले या चार्ट बनने से पहले आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट की कीमत का 50% हिस्सा कट जाएगा। यदि आपके पास RSE टिकट है और आपने टिकट ऑनलाइन किया है और आपने टिकट कैंसिल नहीं कराया या फिर TDR फाइल नहीं किया तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। बता दें कि TDR ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले फाइल करना होता है। साथ ही यदि आप तत्काल में कंफर्म टिकट लिया है और उसे कैंसिल कराते हैं तो आपके लिए कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ट्रेन यात्रा शुरू होने वाले स्टेशन से 3 घंटे देरी से चल रही है तो आपको पैसे वापस मिलेंगे। हालांकि तत्काल टिकट वेटिंग में है तो आपको रेलवे के नियम के मुताबिक रिफंड मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हमारी वीडियो की ओर से मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।